आज परिषद की हाउस की बैठक थी जिसमें अनेक समस्याओं पर चर्चा हुई। इसमें हमारे अधिकारियों के रूप में चेयरमैन पूनम यादव जी, अधिकारी अनुपमा अंजलि जी, डीएमसी ईओ साहब और सभी लगभग सभी पार्षद गण यहाँ पे थे। उन्होंने अनेक लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं वार्डों की बताई हैं, जहाँ मुख्य रूप से तो जो मेन समस्याएं हैं वो पानी की है, बिजली की है, सीवर की है, सफाई की है, टॉयलेट की है, एनक्रोचमेंट की है, पार्किंग की है। तो इन सब समस्याओं पे बारी बारी डिस्कशन हुआ है और आने वाले समय पे हम ये समझ पा रहे हैं कि जल्दी ही इन सब चीज़ों का निवारण करने का काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि टेंडर प्रक्रिया में भी समय लगता है और उसका काम करने में भी। तो आज यही आश्वासन अधिकारियों ने भी दिया है कि जितनी ये समस्याएं हैं आने वाले समय पर जल्दी इन सब का निपटारा हम सब करेंगे। मुख्य एजेंडों की बात करें, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे जिन पर की समाधान की दिशा में बढ़ा गया? नहीं, समाधान की तरफ तो इन सभी मुद्दों पर बढ़ा गया, जैसे पार्कों की सफाई का था उस पर भी बढ़ा गया, पानी की समस्या थी उस पर भी बढ़ा गया, सफाई जो नाले हैं, सीवर लाइन है, उनकी सफाई के ऊपर भी वो कवर कर रखे हैं, तो उसमें जगह जगह पे उनको साफ करने के पॉइंट भी चूज किए गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो शहर की आम आदमी की समस्याएं हैं, उन पे स्पेशल फोकस पूरी स्टीम का रहा है। अतिक्रमण इस शहर की एक बड़ी समस्या है, नासूर बन चुकी है, कोड का रूप ले चुकी है, कब सफाई होगा इस समस्या का? अतिक्रमण पे अधिकारियों को आदेश हो गए हैं। आप हम सभी मार्केट में, चाहे वो मोती चौक है, चाहे वो मॉडल टाउन है, चाहे वो ब्रास मार्केट है, चाहे सर्कुलर रोड है, सब पे हम एनक्रोचमेंट की सीमा को तय कर रहे हैं पीली पट्टी लगा के पूरे शहर में। उससे बाहर कोई भी आएगा, क्योंकि हमने व्यापारियों से भी डिस्कशन इससे पहले करी है, आम जो जागरूक नागरिक थे उनसे भी प्रॉपर डिस्कशन करी है। सब व्यापारी भाइयों ने यह आश्वासन दिया है कि हम सहयोग करेंगे एनक्रोचमेंट हटाने में। तो अब निर्णय यही हुआ है कि पीली पट्टी लगाई जाएगी, उससे बाहर कोई ना आए, उसमें सभी को दिक्कत होती है। उसके लिए हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं ताकि सफाई की गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही है उस पर GPS सिस्टम लगे, उस गाड़ी पे कौन कौन है उनका भी पहचान हो, उनका भी आइडेंटिटी कार्ड बने, फोटो लगे बाकायदा वहाँ जो GPS सिस्टम के साथ ही, कौन इसके साथ जा रहा है, वो प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। क्योंकि अभी तक 49 जो गाड़ियां हैं वो शहर में सफाई कर रही हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि इस टेंडर जो है अभी जो पहले वाले का जैसे ही समाप्त होगा तो हम उसमें भी संशोधन करते हुए, जैसे डिमांड शहर की बढ़ रही है, निरंतर संख्या शहर की बढ़ रही है, उस आधार पर तैयारी करेंगे। सफाई कर्मचारियों की कमी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि डबल शिफ्ट में काम हो, सफाई कर्मचारी डबल शिफ्ट में काम? नहीं, ये ऑलरेडी तय है, उनको दोनों टाइम काम करना पड़ता है, वो जो तय हो रखा है, मैं तो उसी पे फोकस कर रहा था ताकि वो सुबह भी काम पे जाएं और शाम को भी जाएं, क्योंकि एक समय करके और वो शाम को ना पहुंचे तो कूड़ा तो डस्टबिन, तो जब लोगों की मूवमेंट ज़्यादा होती है, जब कूड़ा ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए दोनों टाइम सफाई करें। नहीं, सफाई कर्मचारी की देखिए, हमारे पास पहली बात तो ये है, सफाई कर्मचारी नहीं, उनको हाउस ने योद्धा का रूप दिया है, सफाई योद्धा के नाम से आज के बाद वो सब पुकारे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से क्षेत्रफल बढ़ रहा है शहर का, उतने कर्मचारी नहीं है, लेकिन अभी अधिकारियों ने कहा है कि भाई हमने फाइल उसकी नई रिक्रूटमेंट के लिए डिमांड भेज दी है, जैसे ही वहाँ से अप्रूवल होके आएगी तो उनका भी भर्ती करने का काम करेंगे। करोड़ों खर्च करके रेड लाइट लगाई गई, सफेद आती है, आखिर चलेंगी या बंद रहेंगी ऐसी? रेड लाइट हमारी 6 रेड लाइट चल रही है, प्रॉपर चल रही है वो, लेकिन वो क्या है कि
उनका टाइमिंग फिक्स नहीं हुआ है अगर पुलिस वाला उसके साथ खड़ा हो, क्योंकि कई बार एक तरफ से तो लोड व्हीकल का होता है, दूसरी तरफ से होता नहीं, लेकिन दूसरी तरफ भी वो लाइट जली रहती है तो रुकता है, तो एक तरफ बाहर बढ़ता है, तो उसको भी मेंटेन करने के लिए हमने ADC साहिबा को कहा है कि भाई आप SP साहब को इस बारे में लिखें, अब उस चौराहों पे जहाँ है तो पुलिस वाला ज़रूर खड़ा रहे, खाली लाइट के भरोसे यातायात कंट्रोल हो जाएगा ऐसा नहीं है, तो इसलिए वो पहले से भी खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खड़े हो रहे, अभी पहले से भी हैं, लेकिन और अच्छे से दुरुस्त हो, चीज़ें और अच्छे से चले, इसकी चिंता भी की गई। एक विधायक जी लगातार अभी चर्चा भी हुई है, आवारा पशुओं की बात कर ले, कुत्तों की बात कर ले, बंदरों की बात कर ले, लगातार लाखों रुपए के टेंडर होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे देखें तो स्थिति वही डाक के डाईपर जैसे कुछ लोगों ने उठाया था, ये पीछे बिल बन गए थे लेकिन उतना काम नहीं हुआ था, तो हमने उस पर भी फोकस किया है, उस पर भी चर्चा करी है, आगे से हाउस ने पास करा है बंदरों का, कुत्तों का और गायों का जो अतिक्रमण है, जो पशुओं का अतिक्रमण है उसको भी रोकने का, क्योंकि एक दो दिन में वो टेंडर भी हो जाएगा, तो बाज़ार में मुझे लगता है कि कैटल फ्री होने के आसार बने हुए हैं, जैसे ही हम टेंडर देंगे उनको इन्हीं टर्म एंड कंडीशन पे देंगे, अब वो ताकि जिस हिसाब से उनको टेंडर दिया वैसे काम करें। तिरंगा लाइट लगा दी पूरे शहर में, अच्छा लगा, लेकिन ये धीरे धीरे बंद होती जा रही है, क्या उनका कोई देखभाल के लिए छोटा? देखिए कोई भी मशीन हो, कोई भी वो हो, तो वो रिपेयरेबल होती है, ऐसा नहीं है कोई चीज़ बन गई तो वो खराब ही नहीं होगी, कहीं कहीं जगह हो सकता है खराब हुई हो, लेकिन वो अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन है अब उनको भी समय रहते पूरा ठीक कराएं, और मुझे लगता है मैं रोज घूमने जाता हूँ शाम को भी, तो मुझे लगता है कि 90% से ऊपर जल रही है।